समर्पित कर दिया उस हिंदी का सत्यानाश हो रहा है। अब पूर्णतः अशुद्ध हिंदी लिखी जा रही है। पूर्ण किस किस को कहेंगे? सीधी सी बात, सामान्य बात, गाय दूध देता है। एक मास्टर हमारा मित्र है, उसने कह दिया ऐसे कि साहब मेरा गाय कम दूध देता है। कह दे तू तो अच्छा विद्यार्थी है, मेरा मित्र है, तू कहता है गाय दूध देता है और तू मास्टर भी है, तू कहां ले जा रहा है देश को? और अगर बहस करिएगा तो कहेगा कि क्लिष्ट हिंदी, एक शब्द दिया उन लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने एक शब्द दिया कि क्लिष्ट बोलते हैं, माने कठिन बोलते हैं। मतलब कैसा बोलिए? लोक भाषा में बोलिए, सब लोगों को समझने के लायक बोलिए। आप ही तो उपदेश पढ़िए, ये सबके समझने लायक है कि नहीं संस्कृत में? क्लिष्ट कह करके संस्कृत को पटल से हटा दिया, क्लिष्ट कह करके हिंदी को पटल से हटा दिया और फेंट कर दिया, सबको गडमड कर दिया, सबको गडमड। एक तरह से हम तो समझते हैं कि षड्यंत्र है, उन लोगों षड्यंत्रकारी को ही शिकारी कहीं बैठा हुआ है जो इसको इसका पक्षधर है। अरे गाय दूध देता है कि गाय दूध देती है क्या फर्क पड़ता है साहब? भाषा का मतलब है कि आप मेरा विचार समझ लीजिए, हम जो कहना चाहते हैं वह समझ लीजिए। इतना क्या आप लोग हिंदी वाले हैं जो गाय दूध देता है देती है झमेला में पड़े हुए हैं? सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी को साहित्य के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के युवा पीढ़ी को यही कहूंगा कि पहले पढ़ो, अध्ययन करो, अध्ययन साधना है, छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्र के लिए पढ़ना ही सबसे बड़ी तपस्या है। वो कोई व्रत करे, पूजा करे, पाठ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अक्षर ब्रह्म है और उस ब्रह्म की उपासना ही सबसे बड़ी तपस्या है। पहले पढ़े और पढ़ने के बाद इसकी जिज्ञासा करे कि हम पढ़ रहे, मीमांसा शब्द है ना, मीमांसा, तो पढ़ी हुई चीज की मीमांसा करे, उस पर चिंतन करे कि ऐसा शब्द क्यों हुआ। एक शब्द बताता हूं, दुर्वासा शब्द है, आप सब लोग जानते हैं दुर्वासा ऋषि का नाम, कौन नहीं जानता? दुर्वासा ऋषि का नाम कौन नहीं जानता? एक संस्कृत के प्रोफेसर साहब हैं, मैंने पूछा कि दुर्वासा शब्द का क्या अर्थ है, तो क्लियर है साहब, दुर्वा खाते थे इसलिए दुर्वासा नाम हुआ। मैंने एक संकेत किया उनको कि दुर्वासा में दंत स है प्रोफेसर साहब, तलब स नहीं है, एक ही संकेत है विद्वान के लिए। दुर्वासा शब्द का जो अंत है वह दंत स्व से है और अश धातु में भोजन का अर्थ होता है, अश माने असन, भोजन, असन दसन चैव विधान होता है। एक अक्षर और देखिए, इसको जरा ठीक से सुन लीजिए आप, शब्द ब्रह्म है और उसका उच्चारण अगर गलत होगा तो उसका परिणाम गलत होगा। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, शंकर शंकर, शंकर दंत स और शंकर तालव्य स, दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक स और श के अंतर से अर्थ का अनर्थ है, नहीं है? स्वजन स्वजन स्वजन, दंत स में स्वजन है, अतालब विश्वास स्वजन का क्या अर्थ होगा? स्व माने स्वजन माने कुत्ता, हम आपको स्वजन कह रहे हैं कि स्वजन कह रहे हैं, है? सकृत 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 में सकृत, अगर दंत स सकृत कहते हैं उसका अर्थ है एक बार,
सकृत माने अजात मृद मूर्खाणाम मर्माद्यो न जानति मा सकृत दुख करावाद्या अंतिम अस्तु पदे। इतना सुंदर कहा कि पुत्र तीन प्रकार के होते हैं। अजात एक ऐसा बेटा है जिसको जन्म ले बेटा होता बेटा होता बेटा होता बेटा नहीं हो रहा है तो बेटा अजात है। दूसरा बेटा है जो जन्म लिया और मर गया वह भी बेटा था अजात। दूसरा अमृत तीसरा मूर्ख। सब कुछ हुआ जन्म भी लिया जिंदा भी है लेकिन मूर्ख है। तो कहा कि तीनों बेटों में से अजात मृत मूर्खा नाम बरमाद्य पहला बेटा जो है सो बढ़िया है। दो जो बरमाद्यव आद्यव दो अच्छे हैं कौन जो जिसकी कल्पना करते रहे आकांक्षा करते रहे कि बेटा हो वह एक बेटा और दूसरा एक बेटा जो जन्म लिया और मर गया ये दोनों श्रेष्ठ हैं। तीसरा कौन है अजात मृत तीसरा मूर्खान ये तीनों में से दोनों अच्छे हैं शुरू के अंतिम अच्छा भी। यहां 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 बाप ने बेटे को यह सुख पढ़ाया कि ऐसे तीन बेटों में तुम कौन होना चाहते। मेरी साहित्य की यात्रा बहुत छोटी है। मैं अभी तक पढ़ता रहा और लिखा जो भी मैंने वह स्वांता सुखाए लिखा छपने एक वो हमारे पास एक पत्र है डॉक्टर श्री रंजन सूरीदेव का एक लेख लिखा उन्होंने कहा किसका प्रकाशन हो। उन्होंने कहा कि देखिए आप लिखते जाइए छपास का रोग मत लगाइए और मैं इस रोग से बचता रहा। बहुत मुश्किल से एक भक्त गुना नाम का नाटक मैंने लिखा छपाया अर्शिबाओं पर कुछ लिखा कुछ लोगों ने छाप दिया विद्यापति पर भी कुछ छोटा छोटा सा छपा। मांगते हैं उनको मैं लिख कर देता हूँ बिना मांगे मैं लिख कर नहीं। तो यही दो तीन छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और अब तो प्रकाशन का कोई तुक मैं नहीं समझता हूँ कि अब तो लोग पुस्तक खरीदने वाले ही नहीं है पढ़ने वाले कहाँ। दूसरा आप लोगों को मोबाइल मिल गया है जो चाहिए ज्ञान मिल जाता है। हाँ लिखता पढ़ता रहता कविताएं भी कुछ लिखी हैं रखा है बेटे कहते हैं छपाइए। संक्षिप्त में आपकी एक रचना सुनना चाहिए। मेरी काव्य रचना डायरी मेरी साहित्य की यात्रा याद नहीं है बहुत छोटी है और लड़का डायरी मैं रखते नहीं अभी तक पढ़ता रहा रखते नहीं है एक और लिखा जो भी मैंने वह स्वांता सुखाई नहीं नहीं वो हमारे डायलर का डायरी छपने एक वो हमारे पास एक पत्र है डॉक्टर श्री रंजन सूरीदेव का और एक लेख लिखा उन्होंने कहा किसका प्रकाशन हो। उन्होंने कहा कि देखिए आप लिखते जाइए छपास का रोग देखिए पहले की कविताओं में इस रोग से बचता बता रहे थी पहले लोग लिखते थे मुश्किल से तो एक राष्ट्र के लिए लिखते थे का नाटक मैंने लिखा छपाया नहीं नहीं देशभक्ति के लिए लिखते थे लोगों ने छापा कल्याण के लिए लिखते विद्यापति पर भी साहित्य का अर्थ है छोटा छोटा सा छपा सहितस्य भाव मांगते हैं उनको मैं साहित्य का भाव जहाँ होता है वह साहित्य बिना मांगे मैं बदल गई। तो यही दिन संसार का एक बात है छोटी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और अब तो प्रकाशन का कोई तुक मैं नहीं समझता हूँ कि अब तो लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पुस्तक खरीदने वाले ही नहीं है पढ़ने वाले कहाँ असल साहित्य का दूसरा मोबाइल मिल गया जो चाहिए ज्ञान मिल जाता है। हाँ लिखता पढ़ता रहता लेकिन ये जो कविताएं भी कुछ लिखी हैं है वो झूठ उनको पढ़ने वो बढ़ेगा वो बढ़ेगा दौर के जो मेरी काव्य रचना वो डायरी मूल्य की अपने राष्ट्र के लिए लिखते थे मूल्य की स्थापना के लिए लिखते थे आत्मा अभिव्यक्ति इतना अच्छा लिखा करते हिंदी में कि रटते नहीं है कथा लिखते हैं
दूटू कलेजे के नहीं नहीं डलर का देखिए एक कविता मैं सुना देता हूँ ये भारत माता के संदर्भ में है जा रही है। हाँ मैंने लिखा पहले के समय में भारत सौंदर्य तो इसमें सुंदरता कहीं नहीं काफी मतलब की तुकबंदी आज देखिए पहले की कविताओं में सुंदरता दो धाराएं थी पहले लोग लिखते थे तो आभा कति बदली के राष्ट्र के लिए लिखते थे भारत मां सौंदर्य समझे ना दुराना नहीं देशभक्ति के लिए लिखते थे गगनांगन सम कुल भार पर बाला अरुण की साहित्य का अर्थ है साहित्य भाव गगनांगन सम जो साहित्य का भाव होता है वह साहित्य टीका शुक्र बाद में बात बदल गई शोभन रूप मधुर लावण्य तो मई है प्रशंसा का एक बात है कुंद इंदु समदंता बलिया अधर ओष्ठ बिंबाफल रंजित कंबुकंठ स्वर्णाव अलंकृत कानों में एक कविता मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप असल साहित्य का अभाव समाप्त हो गया अब केवल आत्म प्रशंसन यद्यपि कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग सही लिखते हैं लेकिन ये जो झुंड है ना वो झुंड उनको बढ़ने हालांकि वो बढ़ेगा पहले वो बढ़ेगा पहले के दौर के जो कवि थे हमारे साहित्यकार थे निराला वो मुंडी की राष्ट्र के लिए लिखते थे मूल्य की स्थापना के लिए लिखते थे आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए इतना अच्छा लिखा सरोज स्मृति में कि जी दुखी ही जीवन की कथा रही क्या कहूं कभी जो नहीं एक दो टूक कलेजे के इतना बताएं देखिए एक कविता मैं सुना देता हूं ये भारत माता के संदर्भ में है मैंने लिखा भारत मां सौंदर्यमयी है यह सुंदरता कहीं नहीं मस्तक पर सिंदूरी रेखा सुंदरता की सीमा रेखा इंद्रधनुष सतरंगी आभा कति बदली के बीच उगी है भारत मां सौंदर्य दुराना नहीं जाता गगनांगन सम विपुल भाल पर बाला अरुण की शोभन टीका गगनांगन सम विपुल भाल पर बाला अरुण की शोभन टीका शुक्र वसन तारांकित शोभन रूप मधुर लावण्यमयी है भारत मां सौंदर्यमयी है कुंद इंदु समदंता बलियां अधर ओष्ठ बिंबाफल रंजित कंबुकंठ स्वर्णाव अलंकृत कानों में